स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू द क्लास स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 2 यूनिट नंबर 30 नाउन इन पजेसिवनेस। ओके, तो आपको पता ही है पजेसिवनेस यानी क्या होता है, किसी थिंग्स के ऊपर हमारा पजेशन शो करने के लिए। यहाँ पे आपको नाउन है पजेसिव केस में आपको लर्न करना है। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी थी। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2। इन एक्सरसाइज नंबर 1 हमने देखा कि कैसे आपको पजेसिव फॉर्म है, आपको जो फ्रेज दिया है उसका पजेसिव फॉर्म बनाना है, मेक करना है। ओके, अब जो पहली जो एक्सरसाइज थी हमने उसमें जो पजेसिव केस में हमने लिखा वो सभी नाउन है वो क्या होते थे, सिंगुलर नाउन होते है ना। तो हमने देखा कि कैसे पजेसिव केस फॉर्म करना है, तो अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन के एंड में हमें एपोस्ट्रॉफी ए सेट करने से उसका पजेसिव फॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन हो, जिसके जो भी प्लूरल नाउन हो जिसके एंड में एस आता हो है ना, तो उसके लास्ट में हमें पजेसिव केस फॉर्म करना है, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही एड करेंगे। एपोस्ट्रॉफी के बाद एस को एड नहीं करेंगे क्योंकि वो प्लूरल नाउन है और लास्ट में ऑलरेडी एंड में एस है, इसलिए सिर्फ हम डेस करेंगे, ऐसा एपोस्ट्रॉफी ही बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पजेशन शो कर रहे हैं। और प्लूरल नाउन में भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसमें एंड में एस नहीं आता, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी करके एस एड करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2 में आपको जो नाउन है वो सभी नाउन है वो कैसे है, प्लूरल नाउन होंगे जिसको आपको पजेसिव फॉर्म में राइट करना है, लिखना है। ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर 2। Of the demon.
विमन वुमन का प्लूरल फॉर्म है, इसमें लास्ट में एन आता है, इसलिए हम यहाँ पे को शॉपी करके एस एड कर सकते हैं। तो द विमन्स को शॉपी एस विमन्स सॉन्ग्स। The purses of the ladies. अब यहाँ पे ladies है, lady का plural है ladies, and है वो क्या है s है, इसीलिए हम यहाँ पे c पे पर शॉपी करेंगे जिसके end में s होता हो plural words के पीछे नाउन के पीछे, तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही करना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा द लेडीज पर्सेस। क्या किया हमने यहाँ पे लेडीज फिर एपोस्ट्रोफी फिर एस नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा ना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही करना है क्योंकि एंड में यहाँ पे ऑलरेडी एस है इसलिए। ओके, द क्राइज ऑफ द बेबीज। इसमें भी एंड में क्या है एस है इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, द बेबीज क्राइज। सिर्फ क्या किया मैंने, सिर्फ एपोस्ट्रोफी किया, ऐसे एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी एस जो लिखा है वहां पे हम यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी करेंगे, याद रखना है। द विदर्स ऑफ द बर्ड्स। यहाँ पे एस एंड में एस है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी करेंगे, तो द बर्ड्स। फिगर्स नंबर सेवन पे तो ले टेल्स ऑफ द फॉक्सेस। यहाँ पे क्या है एंड में एस है इसलिए सी पे एपोस्ट्रोफी करेंगे, द फॉक्सेस टेल्स। ओके, नंबर एट पे है द लेग्स ऑफ द बफेलोज। यहाँ पे एंड में क्या है एस है सो सिर्फ एपोस्ट्रोफी करेंगे, द बफेलोज लेग्स। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज विथ एट सेंटेंसेस अपनी बुक में लिख लो। ओके,
एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें आपको क्या करना है, तो राइट द फॉलोइंग इन द प्लूरल पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म में ही दिए हुए हैं, लेकिन वो नाउन है वो सिंगुलर पजेसिव फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, उसको प्लूरल पजेसिव फॉर्म में टर्न करना है, राइट करना है। पहला है जैसे कि द चाइल्ड शूज, यहाँ पे क्या है, द वुमन सॉरी वुमन्स स्माइल, वुमन वुमन का हमें प्लूरल करना है तो क्या हो जाएगा, द वुमन एम ई एन हो जाएगा, एम एन का। अब हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो यहाँ पे एन है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, डोंकीज़
सही। यहाँ पे द डोंकी है तो डोंकी का प्लूरल क्या होगा? डोंकीज। इसमें वाई का आईटीएस नहीं होगा। ओके डोंकीज लास्ट में क्या आया? एस आया, इसलिए सी पे पुश होगी। ओके हीरोस सर्वेंट। ओके यहाँ पे हीरो है, हीरो का प्लूरल क्या हो जाएगा? द हीरोस। लास्ट में एस आया इसलिए सी पे पुश भी आएगा। द हीरोस सर्वेंट। ओके तो ये एक्सरसाइज भी आप अपनी बुक में लिख लो। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे। राइट आउट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। पजेसिव केस में हमें लिखना है। ओके पजेसिव फॉर्म में लिखना है तो ही उसका शॉर्ट फॉर्म होगा ना। ओके तो द डॉल बिलोंगिंग टू मेरी यानी मेरी की डॉल है ना। डॉल है वो मेरी से बिलोंग करती है यानी डॉल है वो किसकी है? मेरी की है। तो हम क्या लिखेंगे? मेरी की डॉल यानी मेरी डॉल। पुरुषों के लिए यूज करेंगे। ओके मेरी डॉल। नंबर 3 पे है द टूल्स यूज्ड बाय द गार्डनर।
यहाँ पे क्या है, द टूल्स यूज्ड बाय द गार्डनर, टूल्स है जो गार्डनर के द्वारा यूज किए जाते हैं, तो ये टूल्स किसके हो गए, गार्डनर के ही हो गए ना, तो क्या लिखेंगे हम, गार्डनर्स टूल्स। ओके, worn by the sailors, तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉप केप्ट बाय द बेकर के द्वारा की
लेकर सौ for the teachers. Okay, room है वो teachers के लिए assigned set किया गया है. तो ये room है वो किसका है? Teachers का, है ना? The teachers. S है class में, C में push up ही करेंगे. The teachers rooms. यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर फोर है वो कंप्लीट होती है. कंप्लीटली अपनी नोटबुक में लिख लो सभी के सभी सेंटेंसेस. ओके तो यहाँ पे ये चैप्टर है नाउंस पजेसिव केस वो खत्म होता है, कंप्लीट होता है, फिनिश होता है. तो आपको ये सीखना है पजेसिव केस में पजेसिव जो नाउन है वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं वो भी आपको लिखवाया हुआ है, वो आपको घर पे भी लर्न करना है और सीखना है. ओके, थैंक यू.